अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी शोबी सईद। अगर आप लोगों ने अभी तक शोबी सईद व्लॉग एंजॉय नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और करें शोबी सईद व्लॉग एंजॉय। मुझे 3-4 दिन से बहुत लेवल की फीवर वगैरह थी, 103 से ऊपर थी, तो व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा था। मेरे पास एक पहले का व्लॉग था, वो मैंने बीच में अपलोड कर दिया था और 3-4 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ। अभी भी मुझे फीवर है, थोड़ी सी है, बाकी सेट हो गया। तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में आप लोगों को पता है मैं एक ही नाश्ता करता हूँ, एग और पराठा। मैं अब कर लूँ जल्दी से नाश्ता। नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ शॉप। फिर शॉप से आऊँगा तो फिर आप लोगों से मिलता हूँ। खाना आ चुका है और अब मैं जल्दी से खाऊँ खाना। और जयान उमर सारे आए हैं आज घर में। मैं अभी शॉप से आया हूँ, अभी मैं इन लोगों को देखा है। और ये उमर बैठ कर कार्टून देख रहा है और खाने में है कढ़ाई और पुलाव मामा ने बनाया, ये ईटिंग कर रहा है। आयशा और इशी उधर सो रहे हैं वो लोग, क्योंकि मैं 4 बजे आया हूँ ना शॉप से, तो दिन के टाइम आप लोगों को पता है बच्चे तो सो रहे होते हैं। अब मैं खाता हूँ जल्दी से खाना। मेरा खाना फिनिश हो चुका है और उमर अभी ये रान सबसे खा रहा है। बस कर वे इसका जान लेगा, ये भी खाएगा क्या? खा खा खा, गंदे बच्चे। बस बस इसको मैं रख कर रहा हूँ, इसको यहीं बैठे रहने दूँ, क्योंकि फिर ये अगर बाहर जाएगा ना तो करेगा मस्ती। उमर बैठो, मामू आ रहे, ठीक है आप इधर बैठो। मामू मम लेकर आ रहे हैं इसको मम पीना। अब मैं जा रहा हूँ किसी काम से और वो काम आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आप लोगों को एक बिग सरप्राइज देने वाला हूँ मैं, तो वो मैं व्लॉग वगैरह में भी नहीं दिखाऊंगा। जिस दिन उसकी ओपनिंग होगी उस दिन आप लोगों को मैं व्लॉग में ही दिखेगा कि किस चीज़ की ओपनिंग हुई है। बहुत ही बिग सरप्राइज आप लोगों के लिए। अभी मैं उसके काम के लिए जा रहा हूँ, दोस्त लोग नीचे आए हैं। मैं फारिग हो चुका काम से, तो मैं जयान लोगों को अभी ऊपर ले रहा हूँ। मेरे साथ जयान और उमर है, आयशा और मलाइका वगैरह नहीं आई, क्योंकि मलाइका भी सो रही है और आयशा भी सोकर उठी है, वो रो रही थी, इस वजह से मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। मेरे साथ उमर आया हुआ है। आज मैं आप लोगों को इसका गुस्सा दिखाऊंगा, अभी नहीं, पेरिस से जाने के बाद मैं इसको डांटूंगा ना, फिर आप इसका गुस्सा देखना आप लोग के, ज़बरदस्त एक्टिंग करता है ये। हेलो करो, अब मस्ती अभी खड़ा होता मैं बिल्कुल, फिर मैं सीधा खड़े इधर गिर गया, आराम से खड़ो, सीधा खड़े रहना, मस्ती नहीं बिल्कुल भी, पूरे कपड़े गंदे कर लिए, चल नीचे चल नीचे, गंदा बच्चा, शरीफ बच्चा। अभी ये गुस्सा नहीं कर रहा है क्योंकि मैं अभी जयान को नीचे भेज दिया, इसको पता मामू कैमरा पकड़े हैं, तभी ये गुस्सा नहीं कर रहा। अभी मैं नीचे लेकर जाऊंगा ना तो फिर आप लोगों को इसका गुस्सा दिखाते। चलो पूरे कपड़े गंदे किए, मेरे भी कपड़े गंदे करेगा, मोटा मोटा चल चल चल। जयान और उमर ने ना मुझे टेरिस में बहुत ज़्यादा ही थका दिया। हो आयशा, आइए आयशा इधर आइए, मामू पास आइए, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ थी आप, कहाँ थी, घर पे। ये आ रही नहीं थी व्लॉग में क्योंकि ये सोकर उठी, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आयशा सलाम तो कीजिए सबको, ने कर दिए ना आयशा सलाम कर दिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं ना इस वजह से बिल्कुल सुस्त हो रही है। ये सलाम कीजिए, बोलिए अस्सलाम वालेकुम, जल्दी कर दिए ना, जल्दी को जल्दी कर दिए। अच्छा हेलो कर दिए, हेलो, बिल्कुल 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 सुस्त हो रही है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ किसी काम से, मुझे जाना है शॉप, फिर वहाँ से फारिग होकर आऊँगा। तो अभी उमर दूसरे रूम में बैठा हुआ है, इसलिए मैंने अभी इसको तंग नहीं किया। अभी जब शॉप से फारिग होकर आऊँगा फिर उसे मैं तंग करूँगा। अभी मैं फारिग होकर आया हूँ और उमर मेरे साथ यहाँ बैठा हुआ है, अभी ये करेगा मस्ती और मैं इसको डांटूँगा, तो फिर ये गुस्सा होगा, आप लोग देखना। इधर आओ उमर, इधर आओ, इधर आओ जल्दी, मस्ती मस्ती क्यों क्यों मस्ती, मामू मना नहीं ना मस्ती करना, आपको क्यों कर रहा हूँ मस्ती
चलो सीधा मामा पास। बस गंदा बच्चा, एनी टाइम मस्ती सिर्फ। बोले जाओ रूम से, जाओ रूम से, चलो जल्दी जाओ मामा पास। फिर नहीं बोले, जाओ जल्दी, मामू की बात नहीं सुनता गंदा बच्चा। चलो मामू मामा पास जल्दी जाओ, चलो। क्यों नहीं? फिर नहीं, नहीं एक ही रेट लगाया, अभी एक और दूंगा चमाट गंदा। जाओ मामा पास, मामू के रूम में आप नहीं रोकोगे, गंदे बच्चे आप, जाओ जाओ मामू मामू के रूम से जाओ। कुछ सोच रही अरे मिला बच्चा, आ जा चल नहीं, आ जा मामू पास, आ जा आ जा आ जा। एग्नी होने की ननी नहीं है, मामू की जान है ना, एग्नी होने की जरूरत नहीं है, मामू की छोटी जान। ये बिल्कुल डरता नहीं है मुझसे, सारे बच्चे डरते, ये डरता है लेकिन वैसे नहीं डरता। इसको मैं कितनी बार कहा है रूम से जाओ लेकिन नहीं जा रहा था, ये इतना नहीं डरता मेरे से, बहादुर बच्चा मामू का। चलो चलो हम लोग अब चलते हैं बाहर, आपको लेकर मामू चलते हैं बाहर, आपको खिलाते हैं मामू। चलो आयशा और उमर जयान लोगों के साथ में कब से खेल रहा था, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और वो लोग घर चले गए। जब वो लोग घर जाते ना तो हम लोगों का घर पूरा ही सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चे होते तो घर में एक रौनक रहती है, बच्चे लोग खेलते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं, फिर शोर वगैरह, एक अच्छा फील होता है। जब बच्चे चले जाते हैं तो पूरा घर सन्नाटा होता है। वो लोग अभी जा चुके हैं और टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, 9:30 हो रहा है, तो अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, फ्री हो चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपना काम करने। आप लोगों को 3-4 दिन बाद अपना मुखड़ा दिखाया ना, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आज भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा नहीं व्लॉग लाजमी बनाना आज, क्योंकि 3 से 4 दिन छुट्टी हो गई, तो आज व्लॉग बनाए। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्ट है, तो कर दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।